आज के दिनों में कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा कर रख दी है और इस वायरस से बचने के लिए कई लोग परेशान भी है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो कोई गाइड नहीं है कि आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हो और आपको क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अथॉरिटी और गवर्नमेंट की एडवाइस को ही फॉलो करना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो इस बारे में है कि आप कैसे इस लॉकडाउन टाइम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूम नॉलेज इंस्टेड ऑफ न्यूज। ऑफिशियल अथॉरिटी से इन्फॉर्म रहने में और कॉन्स्टेंटली नई इन्फॉर्मेशन चेज करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ लोग पूरे दिन रिपीटेटिव लूप में इतने भयंकर लेवल पे सोशल मीडिया से शॉकिंग न्यूज और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, जो हैबिट लॉन्ग टर्म पे मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। अभी आप जितनी भी न्यूज कंज्यूम कर रहे हो वो एक हफ्ते बाद यूजलेस हो जाएगी। सोशल मीडिया और न्यूज से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के बाद भी ये सब कुछ खत्म होने पर आप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप थे। इसीलिए पॉइंट ये है कि अभी लॉकडाउन की वजह से आप बाहर घूमने नहीं निकल सकते, तो अभी आपके पास घर पे बहुत सारा फ्री टाइम होगा जिसे आप ऐसी चीजें सीखने में यूज कर सकते हो जो आपको अपनी लाइफ में या बिजनेस में हेल्पफुल हो। आप इस टाइम में न्यूज और फनी क्लिप्स को रिप्लेस कर सकते हो बुक्स, टेड टॉक्स और डॉक्यूमेंट्रीज से, जिससे आपको ऐसा नॉलेज मिले जो आगे जाके रियल लाइफ में आपको काम आए। सेकेंड पॉइंट इज अपग्रेड योर स्किल्स इन लॉकडाउन टाइम। एक अलग नजरिए से देखो तो सीखने वालों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस फ्री टाइम में कोई नई स्किल सीख के कॉम्पिटिशन से आगे जाने की और अपने आप को अपग्रेड करने की। यानी कि आपकी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम होने पर आप कोई एक स्किल लेके बाहर निकलो। अब वो स्किल क्या हो सकती है वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। वो कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है या वो कोई सॉफ्टवेयर सीखने की स्किल हो सकती है या कुछ भी। आप अपनी सोशल पर्सनालिटी इम्प्रूव कर सकते हो जिससे बातचीत के दौरान लोगों के बीच आपका एक अलग ही इम्पैक्ट हो। कुछ ऐसा काम करो जिससे जब आप अपना वर्कफोर्स वापस ज्वाइन करो तब आप में एक नया एड ऑन फीचर हो जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, जिससे आप एक बेहतर इंसान बनो। अब इस दोनों पॉइंट्स को समराइज करके बताओ तो इस 21 दिन के लॉकडाउन टाइम में सिर्फ न्यूज और फनी वीडियोस की जगह थोड़ा नॉलेज कंज्यूम करके अपनी कोई एक स्किल इम्प्रूव करो जिससे ये सब पूरा होने पर आपका एक नया अपडेटेड वर्जन बाहर आए जो बहुत ही वैल्यूएबल हो। कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए आप ऑफिशियल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ने दिए प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब ये लॉकडाउन को लेकर कितने टाइम हमें घर पे ही रहना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता, इसीलिए इस टाइम को समझदारी से यूज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस वीडियो को 100 लोगों के साथ शेयर करने से बेहतर है कि आप खुद ही इसे फॉलो करें, क्योंकि 48 लॉज ऑफ पावर में एक प्रिंसिपल है, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। धन्यवाद।